सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर नंबर सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों हमें इसके कुछ बेसिक पैटर्न है वो हमें पता होना चाहिए, कुछ बेसिक टिप्स है वो हमें पता होना चाहिए। अगर वो हमें पता चल जाते हैं तो हम बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं और UGC नेट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बिल्कुल आसानी से सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको 10 यूनिट PDF स्टडी नोट्स दे रहे हैं। इसके अलावा 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दे रहे हैं और इसके साथ साथ 10 यूनिट ऑल थियोरेटिकल वीडियोज़ दे रहे हैं। और साथ में दोस्तों हम आपको जून 2012 में 10 शिफ्ट के टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर क्वेश्चन भी दे रहे हैं। अगर किसी दोस्त को ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए, नंबर हमने नीचे दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं बेसिक पैटर्न ऑफ नंबर सीरीज। देखिए हमारे क्वेश्चन पेपर में काफ़ी तरह की नंबर सीरीज आती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। आपने देखा होगा कि किसी के अंदर बढ़ते क्रम में होता है, किसी के अंदर घटते क्रम में होता है और किसी के अंदर मिक्स नंबर दिए हुए होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। तो हम एक एक स्टेप देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए जो सबसे पहली जो नंबर सीरीज है दोस्तों वो हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर की सीरीज़ आ सकती है। प्राइम नंबर के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो केवल और केवल खुद से भाग होता हो और या फिर एक से डिवाइड होता हो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1, 1, 2, 3, 5, 7। ये देखना आप, ये एक तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं और दूसरा एक से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगला जो नंबर आएगा दोस्तों वो हमारा क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, फिर क्या आएगा दोस्तों, 11 आएगा, 11, ना कि 9। 9 नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरह का नंबर जो केवल और केवल खुद से और एक से डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। और इसमें दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हैं, जैसे 11, 13, 17, 19, ये केवल और केवल खुद से डिवाइड हो रहे और एक से हो रहे, इसके अलावा किसी थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। तो इस तरह की नंबर सीरीज़ हमें काफ़ी बार देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली नंबर सीरीज़ आती है, इसके अंदर होता है पैटर्न ऑफ डिफरेंस। इसके अंदर क्या होता है कि पैटर्न, उसके अंदर इस तरह का पैटर्न दिया हुआ होता है कि सभी के अंदर जो डिफरेंस है वो सेम होता है। जैसे कि इसके अंदर हम देखते दोस्तों हम 2 और 5 के अंदर 3 का डिफरेंस है, आगे फिर 5 और 10 के अंदर 5 का है, फिर 10 और 17 के अंदर दोस्तों 7 का है, और फिर 17 और 26 के अंदर दोस्तों 9 का है। तो आगे हमारा क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कितने का डिफरेंस है, 2-2 का है। 3 देखिए दोस्तों, 3, 5, 7, 9, इनके अंदर कितने कितने का डिफरेंस है, 2-2 का डिफरेंस है। तो जब हम 9 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो 11 है दोस्तों, ये 11 हमें 26 के अंदर ऐड करना है, और 26 के अंदर जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 37 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी इसके अंदर पैटर्न होता है वो हमें समझने की ज़रूरत है। और ये दोस्तों यहाँ पे माइनस के अंदर भी हो सकता है, यानी कि शुरू के अंदर 26, फिर 17, फिर 10, इस तरह से भी ये पैटर्न हो सकता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास स्क्वेयर और क्यूब। स्क्वेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी नंबर की पावर 2, और किसी भी नंबर की पावर जब 3 होती है तो उसे हम क्यूब कहते हैं। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। अब देखिए इसके अंदर जो सबसे पहला एग्जांपल है उसके अंदर देखते हैं कि इसमें दिया 1, 4, 9, 16, 25। इसके अंदर आप देखना कि 1 जो है वो 1 की पावर 1 हो गया, फिर आगे है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, फिर 4 की पावर 2। अब इसमें देखिए दोस्तों, 1 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 4, 3 की पावर 9, 4 की पावर 16 और 5 की पावर 25, 6 की पावर 36 हो गया। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है खाली, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा हमारा 7 की पावर 2, यानी कि 77, 49। यानी कि यहाँ पे हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5 की पावर होती हुई जा रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 की पावर यहाँ पे आ जाएगा, 77, 49 इसका आंसर
आ जाएगा। इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, आगे जो ये जो हमारा एग्जांपल है, इसके अंदर देखो दोस्तों, इसके अंदर आप ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या है कि एक है, एक की पावर इन्होंने 3 दे दी, फिर है 2 की पावर 3 दे दी, और फिर है 3 की पावर 3 दे दी। अब ये सभी हम करके देखते हैं दोस्तों, 4 की पावर 3। अब देखिए, 1 की पावर 3 क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। फिर 3 की पावर 3 क्या कितना होता है, 27 होता है। फिर 4 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। और फिर इसने ये जो 25 है, 125 है, ये 5 की पावर 3 दोस्तों, ये 125 हो जाएगा। और यहाँ पे आगे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 6 की पावर 3 आएगा। 6 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 216 इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे इसका 216 आंसर आएगा। तो इस तरह से भी हमें देखना है। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर पावर करनी है या प्लस करना है, क्या करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है दोस्तों, ये जो नंबर सीरीज हमें दी हुई है, ये हमें ये देखना कि ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है या घट रही है, क्या हो रहा है। अब इन दोनों में आप देख लेना दोस्तों, ये कंटिन्यूसली बढ़ती हुई जा रही है, कोई भी नंबर पिछले नंबर से कम नहीं है, ज़्यादा ही है। जब ये देखिए, यहाँ पर बढ़ता हो जा रहा है, 1, 4, 9, 16, 25, 36 और फिर 64 है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, इसमें प्लस हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर इसका स्केयर या क्यूब हो रहा है। इन 4 चीज़ों में से एक चीज़ होगी, या तो प्लस होगा इनके अंदर, या फिर मल्टीप्लाई गुना होगा किसी नंबर से, या फिर इसका स्केयर होगा, या फिर इसका क्यूब होगा। ये चीज़ हमें देखना है इसके अंदर। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह से है पैटर्न। अब देखिए, पैटर्न इन अल्टरनेट नंबर। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि पीछे हमने जो देखा था, जो पैटर्न है, वो नेक्स्ट नंबर से ही जुड़ता हुआ जा रहा है इस तरीके से। लेकिन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पैटर्न इन अल्टरनेट नंबर, यानी कि एक नंबर का तीसरे नंबर से जो रिश्ता हो सकता है। अब देखिए, इसके अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या है कि जो हमारे नंबर है वो बढ़ नहीं रहे। ये देखिए, इसके अंदर यहाँ से 2 से 9 हो गया, 9 से फिर 5 हो गया, यानी कि पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर प्लस हो गया और फिर माइनस हो गया, यानी कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, प्लस माइनस इस तरीके से चल रहा है। इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक नंबर का 3 नंबर से रिलेशन देखना है क्या है। अब देखिए, इसके अंदर हम करके देखते हैं, 2 और 5 के अंदर डिफरेंस देखिए दोस्तों कितने का है, 3 का है, और फिर 5 और 8 के अंदर देखिए 3 का है, और फिर 8 और 11 के अंदर देखिए 3 का है, ठीक है। तो अब जो अगला जो नंबर आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर आएगा, ये एक नंबर छोड़ देते, तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा, वो आया 11 के अंदर 3 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 14, यानी कि 14 इसका नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगला पैटर्न आता है दोस्तों हमारे पास, ओड वन। ओड वन के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक नंबर हमें गलत दिया हुआ होता है, वो हमें पहचानना होता है कि कौन सा नंबर इन्होंने गलत दिया है। जैसे कि यहाँ पे इसमें एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे आप देखो, 3, 5, 11, 17, 21। अब ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है, इसके अंदर देखो दोस्तों क्या डिफरेंस हो सकता है। इसके अंदर एक तो हमारा 14 जो नंबर है, ये 2, 7, 14 से डिवाइड हो रहा है, और एक हमारा 21। इन दो नंबर को छोड़ के देखिए दोस्तों, एक तो 14 को, एक 21 को हम छोड़ देते हैं, तो और जितने भी नंबर है जैसे 3, 5, 11, 17, ये केवल और केवल अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड हो रहे हैं, जो मैंने प्राइम नंबर की बात की थी आपसे, सबसे पहले जो बात की थी। तो इन दो नंबर को छोड़ के और जितने भी नंबर है वो हमारे प्राइम नंबर है और ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से हमें कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। आगे दोस्तों हमारे पास पैटर्न इन एडजेसेंट नंबर। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं, देखिए अब इसमें एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। देखिए, इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ कि पहले 3, 6, 18, 72 दिया है, तो इसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 3 और 6 के अंदर क्या रिलेशन है, 3 गुना में 2 यानी कि 6 आ गया। फिर क्या है, 6 का 18 आ रहा है, तो इसका क्या आएगा, 6 तिया 18 आ गया। फिर है दोस्तों हमारे पास 18 और यहाँ पे कितना है, 72, 18 चौके
72। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले 2 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर 4 से गुना। जो पिछले वाला है, उस पिछले वाला जो नंबर है, उसको 2 से 3 से 4 से इस तरह से मल्टीप्लाई होता हुआ आ रहा है। तो अब हमारा यहाँ पे जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, 72 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। 72 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, वो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये उलझी हुई थोड़ी सी सीरीज हो सकती है। अब इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं डिफरेंस कितना है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस है हमारा 1 का, फिर 5 और 7 के अंदर है दोस्तों 2 का, फिर 7 और 10 के अंदर है 3 का, फिर 10 और 14 के अंदर है दोस्तों 4 का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगला क्या डिफरेंस होगा दोस्तों, वो हमारा होगा 5 का, यानी कि 14 के अंदर जब हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो इसकी जो नेक्स्ट सीरीज होगी दोस्तों, वो हमारी होगी 19 होगी। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास यूजिंग टू और मोर बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन। अब देखिए, कई सीरीज ऐसी हो सकती है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा 2 फंक्शन भी उसके अंदर लग सकते हैं। अब देखिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले देखिए 3 और 5 के अंदर कितने का डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। और फिर यहाँ पे देखिए 5 और 10 के अंदर कितने का है, 5 का है। फिर 10 और 2 के अंदर है दोस्तों 2 का, ठीक है। और फिर 12 और 24 के अंदर है दोस्तों 12 का। तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छा पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा कि क्या पैटर्न बन रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो इसमें एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, इन दोनों नंबर के अंदर कितने का है, 2 का डिफरेंस है। फिर इन दोनों के अंदर कितने का है दोस्तों, 2 का डिफरेंस है। तो आगे जो हमारी सीरीज आएगी उसके अंदर भी 2 का डिफरेंस होगा। तो अगली जो सीरीज होगी दोस्तों, उसके अंदर क्या होगा, 24 प्लस में 2, यानी कि 26। यहाँ पे अगर हम 26 लिख देते, देखिए जैसे यहाँ पे हमने 26 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों के अंदर 2 का डिफरेंस हो गया, इन दोनों के अंदर 2 का डिफरेंस हो गया, और इन दोनों के अंदर 2 का डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से ये जो हमारी सीरीज है पूरी तरह से बन रही है। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि कई दोस्त ये सोच सकते हैं कि ये जो पैटर्न है ये तो बहुत आसान आसान पैटर्न है। तो यूजीसी नेट के अंदर जो पैटर्न आते हैं दोस्तों, वो आसान पैटर्न आते हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल या कठिन पैटर्न नहीं आते। इसके अलावा भी कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं, मुझे पता है अनेक अन्य एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बेसिक करने की ज़रूरत है। और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उसके अंदर मैं आपको करके दिखाऊँगा जो 2012 से लेकर जून 2019 तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं, वो हम लाइव करके देखेंगे, और उसमें आप हम देखेंगे कि किस तरह के पैटर्न अभी तक आए हैं। दोस्तों आज हम नंबर सीरीज के अंदर 2012 से लेकर 2019 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम करने वाले हैं, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह की नंबर सीरीज पैटर्न यूज हुआ है, क्या ट्रिक यूज हुई है, और किस तरह से हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसमें इस वीडियो में आपको लेवल भी पता चल जाएगा कि यूजीसी नेट में किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों अब हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2015 के अंदर आया है। कल जो हमने पैटर्न किया था उसमें से देखते हैं इनमें से कौन सा पैटर्न लगता है। देखिए यहाँ पर इसने दिया है कि 2, 5, फिर 10, फिर 17, फिर 26, फिर 37। तो मैंने कल आपको कई पैटर्न बताए थे। तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि ये बढ़ते क्रम में या चढ़ते क्रम में है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी के सभी जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं, 2 से 5 हो गया, 5 से 10, 10 से 17। अब सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि इन सभी में डिफरेंस कितने का है। ये देखिए 2 और 5 के अंदर डिफरेंस है दोस्तों 3 का, फिर 5 और 10 के अंदर है दोस्तों 5 का, फिर है 7 का, और फिर है कितने का है, 9 का है, और फिर कितने का डिफरेंस दोस्तों, 11 का है। इस तरीके से इन सभी में आप डिफरेंस देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये जो है इनके अंदर भी फिर डिफरेंस दिया हुआ है, इनके अंदर 2-2 का डिफरेंस दिया है। देखिए 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे जो अगला जो हमारी डिजिट आएगी, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 13 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा। और ये 13 दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है 37 के अंदर,
हमें ऐड करना है। जब 37 के अंदर 13 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास आएगा 50, जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा जुलाई 2016 के अंदर आया था। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये दिया है 3, 11, 23, 39 और 59। अब इनमें भी ये देखिए, इनमें भी बढ़ते क्रम में है, तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये सॉल्व करें। देखिए सबसे पहले हम इनके अंदर डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं कि कितना कितना डिफरेंस है। अब 3 और 11 के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, और फिर 11 और 23 के अंदर है 12 का, और 23 और 39 के अंदर है दोस्तों 16 का, और 39 और 59 के अंदर है दोस्तों हमारा 20 का अंतर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अंतर आया है वो हमारा 8, 12, 16, 20, और इनके अंदर देखिए दोस्तों, इनके अंदर कितना कितना का डिफरेंस है, इनके अंदर 4-4 का डिफरेंस है, 8, 12, 16, 20। तो यहाँ पे जो 20 के बाद आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास 24 आएगा, और ये 24 दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है 59 के अंदर। जब हम 59 के अंदर 24 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, 73 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन ना आए, मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं यूजीसी नेट के अंदर, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अब ये देखिए, जून 2012 के अंदर क्वेश्चन पेपर आया था, और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन होगा। इसके अंदर हम देखें तो इसमें भी जो ऑर्डर है वो बढ़ते क्रम में है, 2, 6, 12, 20, 30, इस तरह के से इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले इनमें डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। 2 और 6 के अंदर देखते हैं कितना है, 2 और 6 के अंदर दोस्तों 4 का डिफरेंस है, फिर 6 और 12 के अंदर है दोस्तों 6 का है, फिर 12 और 20 के अंदर है दोस्तों 8 का है, फिर 20 और 30 के अंदर है दोस्तों 10 का है, फिर यहाँ पे है 12 का, और फिर है यहाँ पे दोस्तों कितने का, 14 का। तो यहाँ से देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो अगला जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो कितना होगा, 16 का डिफरेंस होगा, और 16 को जब हम 56 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, 72 इसका आंसर आएगा। दोस्तों आप समझ रहे हैं ना, आप एक बार देखिए ये जो मैंने किया है, सबसे पहले इनमें डिफरेंस देखिए, 2 और 6 के अंदर 4 का, 6 और 12 के अंदर 6 का है, 12 और 20 के अंदर 8 का है, 20 और 30 के अंदर 10 का है, 30 और 42 के अंदर 12 का है। तो इस तरह से आप डिफरेंस देख सकते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 का है, और तो इस तरह से जब 16 को हम 56 में ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 72। तो यहाँ पे जो 72 इसका आंसर है, सी आंसर इसका दिया हुआ है। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन आया दिसंबर 2012 के अंदर। अब इसमें हम करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे आएगा। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं, कितना डिफरेंस है जो हम बेसिकली करते हैं। देखिए 0 और 6 के अंदर है दोस्तों 6 का हमारे पास डिफरेंस है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 का। 6 और 24 के अंदर जो डिफरेंस है दोस्तों वो है हमारा 18 का। 24 और 60 के अंदर है दोस्तों वो है हमारा 36 का, और फिर 60 और 120 है के अंदर दोस्तों 60 का अंतर है। तो यहाँ से हमारा कुछ सही से पैटर्न नहीं बन रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या आगे प्लस होना चाहिए, क्या माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सही से पैटर्न नहीं बन रहा। तो अब हम एक चीज़ देखते हैं दोस्तों। जब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें क्यूब देखना है या स्केयर देखना है, तो वो हम देखते कि क्या ये उसके नज़दीक है या नहीं है। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। देखिए 0 का स्केयर या क्यूब करोगे तो वो तो उतना ही रहेगा। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हम सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। 0, 6, 24, 60 और फिर हमने लिख लिया 120। अब देखिए इसके अंदर हम जब क्यूब करते हैं तो ये देखिए ये किसके क्यूब के इक्वल टू है। 2 का क्यूब करते तो 8 आता है दोस्तों। 2 की पावर 3 करते हैं जब 8 आ गया,
और जब इसको ये किसकी पावर के इक्वल है दोस्तों, आप सोच के देखिए, ये जब हम 3 की पावर करते हैं तो 27 है, तो ये कहीं ना कहीं 27 के करीब है, उसके इक्वल नहीं है लेकिन करीब है। फिर बात आती है हमारे पास है 60। अब देखिए किसके क्यूब के इक्वल टू है ये, देखिए जब हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो कहीं ना कहीं ये क्यूब के पास में जा रहा है। तो उनमें हम देखते कि क्या हो सकता है। ये देखिए हमने 0 का क्यूब किया और इसमें से मान लो 0 ही हमने घटा दिया तो ये आ गया हमारे पास 0। फिर यहाँ पे 6 है तो 6 का हम करेंगे, जैसे कि 2 का क्यूब किया हमने, 8 आ गया। 8 में से हमने कितना घटा दिया दोस्तों, हमने घटा दिया 2, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से आगे है हमारे पास 24, 24 है तो 3 का हम क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना आ गया दोस्तों, 27 आ गया। 27 में से हमने कितना माइनस कर दिया, 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 60 है तो 60 का हम यहाँ पे कर लेते हैं 4, 4 का क्यूब हमारे पास 64 होता है। और जिसको क्यूब नहीं पता है दोस्तों, क्यूब का मतलब ये होता है जैसे 4 का क्यूब 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 3 बार गुना करना किसी भी चीज़ को, तो 4 का क्यूब होता है दोस्तों 64। 64 में से हमने 4 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 60 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से जो ये 120 है, 120 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे 125, 125 में जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20, 120 आ जाएगा। तो अगली जो है दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे सीधी सी बात है हमें 6 का क्यूब करना है, 6 का क्यूब और माइनस कितना करना है, 6 माइनस करना है। तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, वो होता है शायद हमारा 216, हाँ 216 होता है। 216 के अंदर जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो क्या आएगा, वो हमारा 210 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकते हैं, बस उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। हाँ थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चन की तो आपको आने लग जाएंगे, जल्दी जल्दी आप करने लग जाएंगे क्वेश्चन। और अगर किसी दोस्त को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो दोबारा भी देखना, उससे भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देख तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों हमारे पास जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर देखिए दोस्तों इसके अंदर हमारे पास 40 का 120 है, फिर 60 है, फिर 180 है, फिर 90 है। अब देखिए इसके अंदर मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हमें देखना है कि सीक्वेंस सही है या गलत है। अब इसमें देखिए सबसे पहले बढ़ गया, 40 से 120 हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से चल रहा है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो शुरू में ही आपको क्ल्यू मिल रहा है। अब देखिए 40 गुना 3 कितना होता है, 120 होता है, यानी कि 4 3 12 120, और फिर देखिए 6 3 18 यानी कि 60 3 180 हो गया। तो 9 देखिए यहाँ पे क्या है, जो 120 है दोस्तों वो 40, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 40 गुना में 3 कर दिया हमने, फिर 60 गुना में 3 कर दिया हमने। अब देखिए दोस्तों 40 गुना में 3 कर दिया हमने, कितना आ गया, 120 आ गया, फिर 60 गुना में 3 कर दिया, 180 आ गया। तो फिर आगे क्या होगा दोस्तों, 90 गुना में 3 होगा हमारे पास, तो 9 3 27 यानी कि 270 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो 40 को 3 से गुना किया है, 60 को हमने 3 से गुना किया है, और फिर 90 को हम 3 से गुना करेंगे। तो इस तरीके से मैंने कॉम्प्लेक्स भी एक सीरीज़ बताई थी, उसके अंदर वही उलझा पुलझा हो सकता है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं आप, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, हर बार प्लस ही नहीं होगा, उनके अंदर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भाग कुछ भी हो सकता है, उनके अंदर हमें देखने की आवश्यकता है। और उनके अंदर एक जो टर्म है छोड़ के दूसरे टर्म से भी रिलेशन हो सकता है, तो ये थोड़ा आप देखने की कोशिश करना। और बार बार कह रहा हूँ जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन आपको आएगा। और अब हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये हमारा जून 2017
14 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसके अंदर 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22 दिया है। अब देखिए इसके अंदर ये कह रहा कि इनमें से कौन सा आंकड़ा नहीं आता, कौन सी जो सीरीज़ है वो गलत है इनके अंदर, वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले वही करेंगे कि इनके अंदर डिफरेंस है वो देखेंगे दोस्तों। देखिए डिफरेंस हम देखते हैं, 4 और 5 के अंदर है दोस्तों 1 का, 5 और 8 के अंदर दोस्तों 3 का, फिर है 8 और 13 के अंदर दोस्तों 5 का, और फिर है दोस्तों हमारे पास 1 का, फिर है 3 का, और फिर है 17 और 22 के अंदर दोस्तों हमारा 5 का। तो ये हमने डिफरेंस देखा है दोस्तों। आप कॉपी में लिख लेना चाहिए ये क्वेश्चन, कॉपी में करके देखोगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इनके अंदर हमने 1, 3, 5, 1, 3, 5 ये सीरीज़ हमारी चल रही है, तो आगे जो सीरीज़ होगी दोस्तों वो भी क्या होगी, हमें 22 के अंदर, देखिए 22 के अंदर पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 23 आ गया। 23 के अंदर दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, कितना आ गया 26 आ गया। अब 26 के अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, 5 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आ गया 31 आ गया। ठीक है, तो ये कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा नहीं होगा वो हमें बताना है। अब देखिए 31 तो इसमें होगा, ये तो ठीक है। अब देखिए 31 तक की सीरीज आ गई, 31 के बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद भी हमें वही सीरीज अपनानी है, यानी कि देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, 31 के बाद क्या करना है, 31 जमा में 1 करना है, तो कितना आ गया हमारे पास 32 आ गया, 32 जमा में हमें क्या करना है 3 करना है, तो ये कितना आ गया 35 आ गया, 35 जमा में कितना करना है 5 करना है, तो कितना आ गया 40 आ गया। तो इनके अंदर ये देखिए दोस्तों हमारे पास 31 भी आ गया था, 32 भी आ गया था, 35 भी आ गया, लेकिन जो 33 है वो हमारे पास सीरीज नहीं आई, 33 जो नंबर वो नहीं आया जो हमने क्वेश्चन किया है। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो हमारा होगा 33, इसका आंसर होगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिसंबर 2014 के अंदर आया था दोस्तों। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि अगला पद कौन सा होगा। अब देखिए 2, 7, 28, 64 और 126 दोस्तों ये तो बिल्कुल आंखों के सामने ही है हमारा। देखिए अब चलिए इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये लिख दिया मैंने 2, 7, 28 फिर है 63 फिर है 126। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, 63 है, 63 मतलब 64 के करीब है, 126 है 125 के करीब है, 28 है वो 27 के करीब है, 7 है वो 8 के करीब है। यहाँ से क्या कुछ आया समझ में आपको, क्यूब चल रहा है दोस्तों, क्यूब क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए अगर हम यहाँ पे 1 का क्यूब कर देते हैं और 1 के क्यूब में 1 ही ऐड कर दे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखिए 7 है तो 2 का क्यूब हमने कर दिया, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8 होता है, 8 में से हम माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से 28 है, 28 का क्या होगा दोस्तों, 3 का क्यूब हम कर देते हैं, 3 की पावर 3 कर देते हैं और प्लस में 1 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 28 आ जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 9 9 3 27, 27 जमा में 1। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्यूब हो रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और फिर देखिए ये 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 64 में से हमने 1 माइनस कर दिया, यानी कि यहाँ तो 1 2 3 का हमारे पास क्यूब होता हुआ जा रहा है, यहाँ से क्यूब होता हुआ जा रहा है और यहाँ पे 1 + 1 - + - होता हुआ जा रहा है। तो हमें लास्ट में देखना है कि लास्ट में जो सीरीज है, जैसे हमारी 126 है, 126 देखिए 126 किसका क्यूब होता है, 5 के क्यूब में जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमारा 126 आता है, 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 125 होता है, 125 जमा में 1 कर दिया तो हमारे पास आ गया 126 आ गया। तो नेक्स्ट जो सीरीज आएगी वो क्या होगा दोस्तों, हमें 6 का क्यूब करना है, और अब बताइए 6 का क्यूब करने के बाद हमें इसमें प्लस करना है या माइनस करना है, यहाँ पे प्लस हुआ तो अगला क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस करने पे हमारे पास क्या आएगा, 6 का क्यूब होता है 216, सॉरी एक मिनट,
6 का क्यूब होता है हमारे पास 216 माइनस में 1 तो कितना आ जाएगा 215, और 215 इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जून 2015 के अंदर क्वेश्चन आया है। इसके अंदर इन्होंने सीरीज दी है 2, 5, 9, 19, 37। अब इसमें हम करने की कोशिश करते हैं इसमें क्या हो सकता है। ये देखिए 2, 5, 9, 19 और 37। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही हमें आइडिया सा लगने लग जाता है। अब देखिए इन दोनों के अंदर कितना रिलेशन है, इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर क्या है। ये देखिए 2 × 4 जमा में 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ध्यान से देखिए दोस्तों 2 × 4 जमा में 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है ये हो गया। अब 9 कैसे हो सकता है, 5 × 10, 10 में से 1 माइनस कर दिया कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है फिर हमारे पास 9 हो गया, 9 × 18 जमा में 1 19 हो गया। तो यहाँ से बिल्कुल हमारे पास साफ साफ नज़र आ रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए 2 × 2 जमा में 1 जमा इक्वल टू हो गया 5। फिर अब 5 × 2 माइनस में 1 कितना हो गया, 9। फिर क्या है 9 × 2 प्लस में 1 कितना हो गया हमारे पास, 19 हो गया। ये करके देखिए 2 × 4 और 1 5, 5 × 10, 10 में से 1 गया 9, 9 × 18 जमा में 1 19 हो गया। इसी तरीके से 37 कैसे आएगा, 19 × 2 19 × 38 माइनस में 1 कितना हो गया, 37 हो गया। तो अब देखिए अगला क्या आएगा, 37 × 2 और प्लस में 1 तो कितना आएगा, ये आप देखिए ये हमारा आएगा 75। 37 × 2 होता है 74, प्लस में 1 75 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप करके देखना दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आप सभी ये कॉपी में लिखना इनकी स्टेटमेंट और करके देखना, और सॉल्यूशन मैंने आपको साथ के साथ दिए हुए हैं आप चेक करना। और फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास अगस्त 2016 का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए इन्होंने दिया 1, 5, 13, 25, 41। अब इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा क्या हो सकता है। अब देखिए 1, 5, 13, 25 और फिर 41। अब देखिए इनके अंदर सबसे पहले इनमें देखते हैं 1 और 5 के अंदर कितना डिफरेंस है दोस्तों, 4 का है। 5 और 13 के अंदर है दोस्तों 8 का है। 13 और 25 के अंदर कितना है दोस्तों, 12 का है। 25 और 41 के अंदर है दोस्तों 16 का अंतर है। तो अगला क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा 20 आएगा। 16 के बाद क्या आता है, 20। 20 को जब हम 41 के अंदर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 61 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा जनवरी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसमें देखते हैं कि क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमने पहले किया है, अभी किया है, वही है कि बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के अंदर बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन आप जो लोग हैं वो ध्यान नहीं देते। देखिए इसके अंदर 1, 4, 27 फिर है 16 और फिर है डैश दे दिया और फिर है 36। ये तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है देखिए इसके अंदर मैं बताऊँ आपको। जैसे एक है, एक का तो चाहे आप क्यूब कर लो, स्केयर कर लो, जो कुछ भी कर लो वो तो एक ही रहेगा। अब देखिए 4 है, 4 किसके इक्वल टू हो सकता है, 2 की पावर 2, 2 × 4। 27 क्या हो सकता है दोस्तों, 3 की पावर 3। 4 क्या हो सकता है, 2 की पावर 2। और 16 क्या हो सकता है दोस्तों, 4 की पावर 2। अब देखिए थोड़ा जिन दोस्तों को मैथ थोड़ा कम आता है वो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे 1 की पावर हमने 3 ही कर लिया, 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 की पावर हमने 2 की, 2 × 4,
तीन की पावर तीन की, तीन तिया नौ, नौ तिया 27, फिर चार की पावर दो की, चार चौके 16। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये जो डैश दिया हुआ है इस तरह का, यहाँ पे इसमें क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाँच के पावर दो करेंगे या तीन करेंगे, पहले ये बताइए। हम यहाँ पे पावर तीन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले पावर तीन है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर दो है, तो अब क्या आएगा, तीन पावर आएगी। तो पाँच की पावर जब तीन करते तो कितना आएगा, पंजू पंजू 25, और 25 गुना में पाँच कितना होता है, 125 होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास जुलाई 2018 के अंदर आया था। इसके अंदर देखते हैं, ये देखिए इन्होंने कहा है -1, फिर 5, 5, फिर है 15 और फिर है 29। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए -1 और 5 के अंदर कितना डिफरेंस है, ये बताइए दोस्तों। सबसे पहले आप इनके अंदर कितना डिफरेंस है, इसके अंदर कई दोस्त कहेंगे कि 5 का डिफरेंस है, कई 6 कहेंगे। तो रियल में इसके अंदर जो डिफरेंस है दोस्तों वो 6 का डिफरेंस है, क्योंकि अंदर क्योंकि इसके अंदर 0 हम काउंट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 6 का डिफरेंस हो गया। फिर 5 और 15 के अंदर दोस्तों 10 का डिफरेंस है, फिर 15 और 29 के अंदर दोस्तों हमारे पास 14 का डिफरेंस है। तो अब देखिए इनके अंदर कितने कितने का डिफरेंस है, नीचे देखिए दोस्तों 4-4 का डिफरेंस है, 6 जमा में 4 10 10 जमा में 4 14 14 जमा में 4 कितना होगा दोस्तों, 18 होगा। और ये 18 जब हम 29 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा हमारे पास 47 आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और ये देखिए जुलाई 2018 में क्वेश्चन आया है। और अब हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास दिसंबर 2018 का क्वेश्चन। अब देखिए इसके अंदर 5, 19, 39, 101, 181, 295 इन्होंने सीरीज दी है, और अगली सीरीज हमें देखनी है क्या आएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आप करके देखना, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा बस डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलो मैं आपको हिंट बता देता हूँ, इसका हिंट क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 और 19 के अंदर, फिर 19 और 39 के अंदर, इन सभी के अंदर आप डिफरेंस देखना, ठीक है, सभी के अंदर डिफरेंस देखना। हम मान लेते हैं कि डिफरेंस आ गया 10, 14, 25, इस तरीके से डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस आने के बाद में फिर नीचे जो एक और डिफरेंस आए, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आए, वो डिफरेंस आप देखना, ठीक है। इस तरीके से 6-6 आ जाए या 4-4, जो भी डिफरेंस आए वो आप, फिर यहाँ पे जो दोस्तों डिफरेंस आए 6-6 या 4-4, जो भी डिफरेंस आए, वो डिफरेंस आपको यहाँ पे जो सीरीज आए उसके अंदर ऐड करना है। और ये जो सीरीज आए दोस्तों इसके अंदर वो फिर 295 के अंदर ऐड करना है, ठीक है। आप मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ, चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले इनके अंदर डिफरेंस देखना दोस्तों, 5 और 19 के बीच में, 19 और 49 के बीच में, 101 के बीच में, इन सभी के बीच में आप डिफरेंस देखना। और वो जो डिफरेंस आए फिर उनके अंदर डिफरेंस देखना क्या क्या डिफरेंस हो, ठीक है। और वो जो डिफरेंस आए वो कॉमन डिफरेंस कितना है, वो डिजिट फिर उसके अंदर ऐड करना, ठीक है। इस तरीके से आप करके देखना, ये आ जाए, बिल्कुल आसान है। अगर फिर भी किसी भी दोस्त को ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, हम आपको आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और वैसे इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बी इसका आंसर है, 449 इसका आंसर आएगा। लेकिन आप अपने आप करके देखना कि क्या इसका आंसर 449 ही आता है या नहीं आता, ठीक है। और आगे दोस्तों, आगे हमारे पास दिसंबर 2018 का ही क्वेश्चन पेपर है ये, तो इसके अंदर देखिए ये भी आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए इसके अंदर क्या है, 0, 1, 9, 36 और 100। अब देखिए दोस्तों ये तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, ये तो साफ साफ शब्दों में दिख रहा है। देखिए 9 है, 9 किसके पावर होते हैं दोस्तों, 3 तिया 9। 36 है, छिकू छिकू 36। 100 है, 10 की पावर 2, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 1 है तो 1 की पावर 1। 0 है, 0 की पावर 2 कर दो यहाँ पे, 1 की पावर। अब देखिए 0, 1, 3, 6, 10 यहाँ पे हो गया, सभी की पावर हो रही है,
तीन की पावर दो, तीन तिया नौ, छः की पावर छः, छः को छत्तीस, 10 की पावर 2 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक का डिफरेंस, यहाँ पे दो का, यहाँ पे तीन का, यहाँ पे चार का, तो आगे क्या आएगा, 10 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 की पावर 2 कितना होगा दोस्तों, वो हमारे पास होगा 225, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 225 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आपको जेआरएफ लेना है तो आप ये सभी के सभी क्वेश्चन आप एक बार दोबारा करके देखिए, ये डेफिनेशन, ये जो सवाल है कॉपी में लिखिए, कॉपी में कर करके देखिए, और कोई सवाल नहीं आता तो आंसर हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है, आप दोबारा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।